आदरणीय पुष्पा जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, मैं पुष्पा जी को अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं खड़ा होकर के अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन में पुष्पा जी से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता। ये जो मोहल्ला है बांद्रा पूर्व का, इस मोहल्ले में और उसकी गलियों में कई बार मैं घूमा फिरा हूँ, कई बार आता जाता रहा हूँ। 18 वर्ष पहले जब भारती जी का स्वर्गवास हुआ, उस दिन भी आया था। दुखद घड़ी थी, मन बहुत भरा हुआ था, लेकिन आज जब यहाँ आया हूँ तो एक प्रसन्नता भी हो रही है कि आज धर्मवीर भारती चौक का उद्घाटन हो रहा है, और इसके लिए मैं जितने भी लोगों ने इसके पीछे काम किया उनको मैं अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुष्पा जी ने अभी बहुत ही विस्तारपूर्वक आप सबको बताया बाबूजी और धर्मवीर भारती जी का संबंध, और जैसा कि उन्होंने कहा ये कोई 10-20 बरस का संबंध नहीं था। बाबूजी जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो अंग्रेजी विभाग था वहाँ पढ़ाते थे, तो धर्मवीर भारती जी उनके विद्यार्थी थे उस विभाग में। आगे चलकर भारती जी ने, जैसा कि पुष्पा जी ने कहा, वो हिंदी विभाग में पढ़ाने लगे और तभी से इनका ये संबंध बना रहा। दोनों ही बाबूजी और भारती जी का ये जो संबंध है, ये एक तरह से गंगा जमुनी जो इलाहाबाद का एक निशान है, गंगा जमुनी संपर्क था और संबंध था। बाबूजी ने अपनी कविता में लिखा भी है कि गाता हूँ मैं अपनी भाषा सीख इलाहाबाद नगर से। तो ये जो संबंध था ये केवल दो मित्रों का नहीं था, बाद में जा करके ये दो भाई बन गए और बहुत ही घनिष्ठ इनका संबंध रहा। मैं तो शायद उस समय 8-10 वर्ष का रहा होगा जब इलाहाबाद में अपने घर पे भारती जी को आते हुए देखता था। इलाहाबाद में जहाँ हमारा घर था वहाँ पूज्य माता जी ने, मेरी माता जी ने, उनको फूलों का बहुत शौक था और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने गुलाब का एक बगिया वहाँ बना रखी थी। हर वर्ष इलाहाबाद में एक प्रदर्शनी होती थी फूलों की, और उसमें माँ जी को उन गुलाब के फूलों का सबसे प्रथम पुरस्कार मिलता था, क्योंकि वो गुलाब इतने अच्छे उगाती थी। और कई बार मैं देखता था कि भारती जी जब आते थे हमारे यहाँ तो 10-15 मिनट अंदर जाने से पहले वो इस बगिया को देखते थे, उसे झांकते थे, उसकी सुगंध, उसकी सुंदरता को भांपते थे, उसके बाद फिर वो अंदर जाते थे। दुबले पतले बहुत ही लंबे कद के भारती जी काला चश्मा पहने रहते थे हमेशा, रात को भी वो काला चश्मा पहन के आते, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से सिखाया। और रात बिरात घर में गोष्ठियाँ होती थी, साहित्यकार आते थे, कविगण आते थे, और उस गोष्ठी का एक नामकरण भी हो गया था, परिमल। परिमल उस गोष्ठी का नाम था। और रात बिरात बाबूजी, भारती जी, अन्य भी साहित्यकार कविगण वहाँ बैठ करके साहित्य की बात करते थे, कविताएं की बात करते थे, बहुत अच्छा माहौल लगा। ये जो एक संबंध बना ये यहाँ मुंबई में आकर के भी चलता रहा। कई बार बाबूजी की कविता पाठ हुआ, जब शायद भारती जी और पुष्पा जी केम्स कॉर्नर के पास एक मकान में रहते थे, वहाँ पर कलानगर आने से पहले, और वो एक बहुत ही अच्छा एक शाम थी जब सब ने मिल करके वहाँ बाबूजी को सुना था। बाबूजी अस्वस्थ थे लेकिन फिर भी वो बहुत लंबा चला, 3-4 घंटे तक वो कविता पाठ हुआ, वो आज भी मुझे स्मरण है। उसकी कुछ छवियां हैं जो कि मैं अपने सोशल मीडिया में यदा कदा डालता रहता हूं, अभी आपको अवसर मिले तो उसे ज़रूर देखिएगा। उन दिनों जब मैं छोटा था तो जगह जगह भारती जी के जो उपन्यास है गुनाहों का देवता, उसके बारे में अभी पुष्पा जी ने भी बताया, उसकी बड़ी चर्चा सुनता था मैं। और उन्हीं दिनों इलाहाबाद में और फिर बाद में दिल्ली में भी जाके पूज्य माता जी जो हैं वो रंगमंच पर
नाटक किया करती थी, अभिनय किया करती थी। शेक्सपियर के जितने नाटक थे जो कि बाबूजी ने उनका अनुवाद किया था, उनको चार जो ट्रेजेडीज थी शेक्सपियर, उनका अनुवाद बाबूजी ने किया था और उनका वो अभिनय करती थी। उस समय मैंने गुनाहों का देवता पढ़ा और कहीं ना कहीं मन में एक आशा थी कि कभी अगर अवसर मिले तो गुनाहों के देवता अगर उसका नाटक हो तो मैं उसमें भाग ले सकूं। ये देखिए देवियों सज्जनों, ईश्वर की कृपा है और शायद बहुत से लोगों को पता नहीं इसके बारे में कि फिल्म उद्योग में कदम रखने के कुछ ही दिनों बाद मेरे पास प्रस्ताव आया कि गुनाहों के देवता की ऊपर एक फिल्म बन रही है और हम चाहेंगे कि आप उसमें एक भूमिका करें। और चंदर की भूमिका जो थी वो मुझे दी गई और एक और खुशी साथ में इस बात की थी कि सुधा की भूमिका जो थी वो मिली जया। चंदर और सुधा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मुख्य किरदार हैं गुनाहों के देवता के। उस समय जया और हमारा विवाह नहीं हुआ था, लेकिन हम लोगों ने बहुत मन से दिल लगा करके उस फिल्म में काम किया। इलाहाबाद में इसकी शूटिंग हुई, गर्मी का मौसम था। उस समय न ज़्यादा लोग जया को जानते, और जया हमसे बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी स्टार थी, न उनको ज़्यादा लोग जानते थे, न मुझे तो कोई जानता ही नहीं था। तो हम लोग जाते थे वहाँ चौक में, कटरा में, सिविल लाइंस में हम लोगों ने शूटिंग की और बहुत अच्छा लगा। 7-8 रील बनी इस फिल्म की और फिर दुर्भाग्यवश किसी कारण वो पूरी नहीं हो सकी। इसका हमें हमेशा खेद रहा। मैं यहाँ पर भारती जी के बारे में कुछ और कहना चाहूँगा कि न केवल गुनाहों का देवता बल्कि उनकी एक और बहुत ही प्रख्यात एक उपन्यास है अंधा युग, और उसकी कुछ बहुत ही प्रेरणाशील शब्द हैं जो कि मैं इस समय आप सबको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। उन्होंने लिखा था कि पता नहीं प्रभु है या नहीं, पता नहीं प्रभु है या नहीं, पर जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दशा बदल जाती है। अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता। ये बहुत ही प्रेरणाशील शब्द है और कई बार ऐसी घड़ियां जीवन में आती हैं जब इनको पढ़ करके मनोबल बढ़ता है। बहुत ही विशेष रूप से पुष्पा जी ने भारती जी और उनके संबंध जो था वो धर्मयोग के साथ उन्होंने वर्णन किया। जब से भारती जी गए तब से धर्मयोग भी चला गया और उसकी क्षतिपूर्ति आज तक कोई नहीं कर सका है। भविष्य में शायद ही ऐसा कोई संपादक आए जो नक्षत्रों की दिशा बदल सके। ऐसे सर्वप्रिय और विलक्षण व्यक्ति को आपने पहचाना और उनकी स्मृति को स्थायी बनाने के लिए ये चौक बनाकर जो सम्मान दिया, तो उसके लिए मैं मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। नक्षत्रों की दिशा, आज से इस चौक का नाम मुंबई महानगर पालिका डॉक्टर धर्मवीर भारती चौक।
लो आगे लो बैठ लो बैठ लो बैठ लो क्या बोल सकते आएगा ही निर्बल हो गया नहीं नहीं आएगा वो पांच मिनट रुकने बोला वो किसी साहब को बुलाया उसने तो बोल रहा था कि राजा भाई को बोलना भाजी खाली यहाँ से जाएंगे ना उसके नाम सर्कल से राइट मार के सीधा मैं चला पाऊँ ये भी बेंच तो दस तेल है जब और नहीं चला पाऊँ है खिच खिच कर मेरा नंबर उसको याद भी है कि नहीं मोबाइल लाइट का मिल गई तो हुआ कि नहीं अटारे अटारे दो मिनट